हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चाचा। वेलकम टू डीपीएससी लर्नर्स। तो बात करेंगे आज हम वर्किंग विद चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जो आपके डीपीएससी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है। उसकी हमारी यूनिट टू भी कंप्लीट होने वाली है, सिर्फ दो तीन टॉपिक बचे हैं, और यूनिट थ्री हमारी रैली है तो वो भी हम कवर कर लेंगे। इसके अलावा आपका एक टॉपिक है एग्रेशन, हाइपर एक्टिविटी और डेफियंस। तो ये जो हमारे टॉपिक्स है हमारी यूनिट थ्री में भी है, तो मैं इन दोनों के सेम रखूँगी, मतलब अलग अलग वीडियो नहीं बनाऊँगी। और मोर इम्पॉर्टेंटली एक चीज़ है आपकी कंडक्ट डिसऑर्डर, मतलब वो जो आपका ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर है जिसमें डेफियंस वाला है बेसिकली, तो वो जो डेफियंस है मैं उसकी वीडियो नहीं बनाऊँगी। ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर जो आपका मैंने पहले कराया हुआ है वही उसमें आएगा। और ऐसे ही सेम फॉर द ADHD, हाइपर एक्टिविटी, और उसके बाद जो डिसऑर्डर्स हैं उसकी भी देखूँगी। अगर कुछ और अलग से लिखना होगा, उसमें लिखवाना होगा तो करवा दूँगी, समझाना होगा तो, अदरवाइज सेम रहेगी तो वो ही देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में यूनिट थ्री के टॉपिक स्टैमरिंग की, यानी स्पीच प्रॉब्लम्स की। तो स्टैमरिंग क्या होता है, उसके कॉजेज, उसके सिम्टम्स पूरा देखेंगे, स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा मैंने एक रेज्यूम की वीडियो अपलोड करी है, तो वो आप लोग देख लेना अगर किसी ने नहीं देखी, कि आपको अपनी टीचिंग जॉब के लिए रेज्यूम कैसे बनाना है। उसके बाद मैंने दूसरी वीडियो अपलोड करी है, उसमें मैंने आपको बताया कि आप इन क्वारंटाइन डेज में, अब तो लॉकडाउन और बढ़ भी गया है, 3 मई तक हो गया है, तो आप इस लॉकडाउन में अपने लिए क्या फ्रूटफुल कर सकते हो, क्या प्रोडक्टिव कर सकते हो जो आपका आगे टाइम सेव हो जाए, तो वो भी आप लोग देख लेना, मैं लास्ट में कार्ड्स में दे दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं हम स्टैमरिंग। स्टैमरिंग होता क्या है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्टटरिंग और डिफ्लुएंट स्पीच। इसको स्टटरिंग भी बोला जाता है और डिफ्लुएंट स्पीच। स्टैमरिंग होता है कि जैसे कि कोई बच्चा बहुत रुक रुक के बोल रहा है, या फिर किसी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा उस पर जोर लगा रहा है, जैसे सैंड, इस टाइप को बोलते हैं हम स्टैमरिंग। और दूसरी चीज़ डिफ्लुएंट स्पीच। डिफ्लुएंट स्पीच मतलब फ्लुएंसी नहीं होती स्पीच में, अटक अटक कर, रुक रुक कर, बहुत ज़्यादा ब्रेक लेकर बोलना, उसको बोलते हैं हम स्टैमरिंग। इट इज़ अ स्पीच डिसऑर्डर, ये एक स्पीच डिसऑर्डर है। साथ साथ अब हम देखेंगे कि ये किस किस वजह से हम देख सकते हैं, मीन्स कैसे इसको हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं दैट एक बच्चे के अंदर ये स्टैमर कर रहा है। तो रिपीटेड वर्ड्स, साउंड्स और सिलेबल्स, बच्चा ना बार बार एक ही वर्ड को रिपीट करेगा, साउंड्स को रिपीट करेगा या सिलेबल्स को रिपीट करेगा। उसके बाद हेल्पिंग स्पीच प्रोडक्शन, बच्चे की ना बहुत डरी डरी सी आवाज़, रुकी रुकी और टूटी टूटी आवाज़ आएगी। उसके बाद अनइवन रेट ऑफ स्पीच, बच्चा एक साथ नहीं बोलेगा, उसका अनइवन रेट होगा, कभी तो बहुत बोलेगा, कभी बोलेगा नहीं, कभी रुक के बोलेगा, कभी तेज बोलेगा, इस टाइप से। अब मैं इसके टाइप्स की बात करूँ तो ये 3 टाइप्स का होता है हमारा, डेवलपमेंटल, न्यूरोजेनिक और साइकोजेनिक। डेवलपमेंटल 2 से 5 साल तक के बच्चों में होता है, ये कॉमन होता है, उसके बाद ये मतलब आगे इस तक जाकर ठीक हो जाता है अगर प्रॉपर थेरेपीज दी जाए, प्रॉपर मॉनिटरिंग कराई जाए। उसके बाद साइकोजेनिक, साइकोजेनिक में क्या होता है, अगर किसी इंसान को इमोशनल ट्रॉमा हुआ है, उसका कोई लव्ड वन, किसी की डेथ हो गई है या कोई भी इमोशनल ट्रॉमा है, वो जो है उसको ये स्टैमरिंग हो सकती है। या फिर न्यूरोजेनिक, न्यूरोजेनिक में क्या है, ब्रेन इंजरी, मींस हमारे ब्रेन में कहीं चोट लग गई है, एक्सीडेंट हुआ है, ब्रेन सिग्नल्स वर्क नहीं कर रहे हैं लैंग्वेज वाले, तो स्टैमरिंग हो सकती है। अब मैं कॉजेस की बात करूँ तो सबसे बड़ा कॉज जेनेटिक तो होता ही होता है। उसके बाद डिफरेंस इन ब्रेन प्रोसेसिंग, मींस हो सकता है उसकी ब्रेन प्रोसेसिंग में ही कमी हो कहीं, मतलब एक नॉर्मल बच्चे से और उसमें डिफरेंस हो कि उसकी ब्रेन प्रोसेसिंग ढंग से नहीं हो पा रही, उसे पता ही नहीं है एक्चुअली में बोलना कैसे है। उसके बाद रैपिड रेट ऑफ स्पीच, बहुत तेज तेज बोल रहा है वो बच्चा, और या फिर होता है ना कोई कोई बहुत तेज बोलता है तो हकला जाता है, स्टैमर कर जाता है या उस वर्ड्स खा जाता है, तो इसको बोलते हैं हम। उसके बाद हाई एक्टिविटी लेवल, या वो इंसान बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करता है, बहुत ज़्यादा काम करता है, इस वजह से वो स्टैमर कर सकता है। अब सिम्टम्स की बात करूँ तो सिम्टम्स बहुत होते हैं, हमें पता चल जाता है, जैसे कि प्रोलॉन्गिंग साउंड, जैसे कि मैं लूँ स्कूल, बच्चा ऐसे बोल रहा है तो इसको बोलेंगे हम बच्चा स्टैमर कर रहा है, ये प्रोलॉन्गिंग साउंड हो गई। इंक्रीज वेन एक्साइटेड और स्ट्रेस आउट,
जब बच्चा या तो एक्साइटेड होगा तब बच्चा स्टमक करेगा। अच्छा प्रेमी गजब कहानी देखी होगी आप लोगों ने, उसमें भी यही था कि जब वो ज़्यादा परेशान होता था तो स्टमक करता था, या एक्साइटेड होता है तब स्टमक करता है। तो ये भी एक सिम्टम है, बीइंग अफ्रेड टू टॉक। बच्चा बात करने से डरेगा, बच्चा बात नहीं करेगा, बच्चा इंटरैक्ट नहीं करेगा, बच्चा बेसिकली जो इंटरेक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। आई ब्लिंकिंग, बच्चा अपनी आँखों को झपकाता रहेगा बोलते वक्त, या फिर एक ही वर्ड पे अटक जाएगा, बार बार वही वर्ड बोलेगा, या बहुत सारे पॉज लेगा जब बोलेगा, या फिर नर्वस फील होगा उसको, या फिर इंटरजेक्शंस यूज करेगा जैसे कि आई लाइक इस टाइप से वो बोल सकता है, लाइक और अम का यूज़ कर रहा है। तो ये है हमारे सिम्टम्स। अब मैं इसके ट्रीटमेंट की बात करूँ, तो ट्रीटमेंट एज सच यही होता है कि आप मॉनिटर कर रहे हो बच्चे को, मॉनिटरिंग करा रहे हो, सेल्फ मॉनिटरिंग या फिर थेरेपीज, तो यही इसका ट्रीटमेंट होते हैं और एज सच कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। तो ये है हमारा पूरा स्टैमरिंग के बारे में। आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं बात करूँ, इसके बाद हम करेंगे सेलेक्टिव ब्यूटिज्म। सेलेक्टिव ब्यूटिज्म के बाद जो भी हमारे सारे विजुअल हियरिंग इम्पेयरमेंट्स की वीडियो रहती है, डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया की रहती है, जो कॉग्निशन लर्निंग प्रॉब्लम्स है, तो जो भी टॉपिक्स रह रहे हैं हम कोशिश करेंगे दो दिन में अपना स्पेशल नीड्स का सिलेबस कवर कर लें। उसके बाद हमारा सिर्फ प्लानिंग बचेगा। प्लानिंग हम कंप्लीट करते ही ना फिर मैं फर्स्ट ईयर पे आऊँगी, मुझे फर्स्ट ईयर का सिलेबस भी कवर कराना है। उसके बाद अब मैंने एक्टिविटीज़ अपलोड करी है इस लॉकडाउन डेज के लिए, क्लास टॉडलर, नर्सरी, KG 1-2। अगर आपके घर में रिलेटिव्स हैं, बच्चे हैं, मतलब आपके ही सिबलिंग्स हैं या रिलेटिव्स में कोई बच्चे हैं, उनको शेयर करो सो दैट नई नई एक्टिविटीज़ कर पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना।